हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल हेल्थ ज्ञान विकास 24 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कालपोन 500 mg टैबलेट के बारे में। इसके क्या यूज़ हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं और इसके डोसेज फॉर्म क्या है, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। उसके लिए आपको वीडियो पूरी तरह से देखना होगा, पूरी तरह से वॉच करना होगा। तो प्लीज़ वीडियो कंटिन्यू बने रखिएगा और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आखिर पैरासीटामोल मतलब कालपोन 500 mg, इसके क्या यूज है? तो सबसे पहले जान लेते हैं इसमें साल्ट क्या है। तो फ्रेंड, इसमें जो साल्ट है वो है PCM, मतलब पैरासीटामोल 500 mg। तो इसका जो बेसिकली यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, वो मतलब माइल्ड पेन्स, मतलब अगर किसी को पेन हो रहा है थोड़ा बहुत तो उसमें यूज़ किया जाता है। लेकिन बेसिकली उसका मतलब फीवर को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, मतलब कम करने के लिए किया जाता है। ये एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन है और एनाल्जेसिक भी है, बट बहुत माइल्ड पेन के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा अगर किसी को कम पेन हो रहा है तो उस टाइम पर दे सकते हैं। हाईली पेन के लिए यूज़ नहीं की जाती है फ्रेंड्स। तो इसका बेसिकली यूज है रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर की, मतलब फीवर को कम करने के लिए। तो मतलब जैसे कि फीवर को कम करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। कहीं भी मोच वगैरह का थोड़ा बहुत पेन हो रहा है तो उस टाइम पर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो कोल्ड या फ्लू का जो फीवर आया हुआ है, मतलब सर्दी जुकाम की वजह से जो फीवर आया हुआ है, तो उस फीवर को भी कम करने में इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये तो इसके यूज हो गए फीवर को कम करने के लिए। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं इसकी डोज क्या है फ्रेंड्स। तो इसकी जो डोज है वो BD के हिसाब से दी जाती है फ्रेंड्स, मतलब एक गोली सुबह एक गोली शाम के लिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है तो इसको TDS दे सकते हैं, मतलब इसकी जो ऑफिशियली मतलब बहुत ही अच्छी डोज, जो बेसिकली डोज बोलते हैं, जो नॉर्मली डोज, वो है इसकी BD सुबह शाम एक टैबलेट, जो 500 mg है। तो जो 12 से ऊपर के हैं उनके लिए 500 mg की एक टैबलेट सुबह शाम दे सकते हैं, 12 या 12 से ऊपर के। लेकिन जो इससे कम है उनके लिए 250 mg भी टैबलेट आती है इसकी कालपोन की, वो भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो इसके यूज के बारे में बात कर ली हमने, इसके डोसेज फॉर्म के बारे में बात कर ली कि एक टैबलेट को सुबह शाम दिया जाता है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसके फ्रेंड कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे इसे खाने के बाद जैसे कि नोजिया है, वोमिटिंग है, स्किन ईचिंग है, स्किन रैशेस वगैरह, अगर ऐसे कोई साइड इफेक्ट दिखें तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। बिना डॉक्टर से कंसल्टेशन के बिना मतलब कोई भी मेडिसिन ना लें फ्रेंड्स। तो हर वीडियो बताता हूँ, तो प्लीज़ हर मतलब टैबलेट या हर मेडिसिन खाने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछें, तो मेरी ये सबसे गुजारिश है। तो फ्रेंड्स, ये तो इसके साइड इफेक्ट हो गए कुछ। तो अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी जो प्राइस है फ्रेंड्स, बहुत ही चीप है, मतलब सस्ता है, ज़्यादा महंगी टैबलेट नहीं है। तो इसका जो प्राइस होगा लगभग 15 टैबलेट्स की एक जो स्टिप आती है, ये जो स्टिप है 15 टैबलेट्स की, इसका प्राइस लगभग 16 रुपीज़ के करीब है, 16 रुपये 65 पैसे। तो मतलब 16 या 15 रुपीज़ में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। और ये इसको जो जिस कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया, वो ही बहुत ब्रांडेड कंपनी है फ्रेंड, वो है GSK, मतलब गैलेक्सो फार्मा की जो ब्रांडिंग है, बहुत मतलब जो टैबलेट या दवाइयाँ होती हैं बहुत ही अच्छी। और तो फ्रेंड्स, जो गैलेक्सो फार्मा है बहुत ही ब्रांडेड है, अपने आप में एक एथिकल कंपनी है। तो इसकी जो टैबलेट होती है कालपोल नाम से, जो ब्रांडिंग नेम है इसका वो कालपोल है, पैरासीटामोल इसका मतलब साल्ट का नाम है, जिसके अंदर दवाई है, मेडिसिन है, जो केमिकल है वो पैरासीटामोल का है, लेकिन इसकी जो ब्रांडिंग है वो है कालपोल 500 mg। तो कालपोल बहुत ही फेमस मेडिसिन है, किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, कहीं पर भी आप ले सकते हैं इसको और कोई भी दिक्कत भी नहीं होगी लेने में। तो फ्रेंड्स, ये तो छोटा सा रिव्यू था कालपोल 500 mg टैबलेट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर